आज क्लास रखी गई थी, आप लोग मैसेज करके कंफर्म भी करते हैं सर क्लास कितने बजे है, उसके बाद नहीं आते। जो सिंसियर है, जो कुछ करना चाहता है वो आ गया है ना। अच्छा, हमें भी करना है, हमें भी पीएससी क्लियर करना है, हमें भी अपम क्लियर करना है, नौकरी पाना है, एसएससी क्लियर करना है, सोचते बहुत लोग हैं है ना। सोचने में क्या जाता है, सोचने भर से हो जाता तो भाई फिर बात ही क्या थी। ये हल्का सा पानी गिरा है, हल्का सा पानी गिरता है तो ये जो इस ये जो पानी गिरा ना, इसमें मैं सिंसियर दो स्टूडेंट इसमें मैं पता करता हूँ। ऐसी स्थिति में दो प्रकार के स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जिसे मैं कहता हूँ सिंसियर है, मतलब अपनी जिम्मेदारी समझता है कि मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे सिंसियर होना होगा। आंधी तूफान नहीं आया, बाढ़ नहीं आया, ये कोई कारण नहीं बनता कि मैं क्लास मिस कर दूं या टेस्ट मिस कर दूं, पहली बात। एक सिंसियर स्टूडेंट का पता चलता है, और एक पता चलता है जुझारू। ये शब्द जानते होगे तुम लोग, जुझारू, जूझने वाला छात्र। भले ही वो कमज़ोर रहा लेकिन वो जुझारू है, भले ही उसकी तैयारी ना हुई हो लेकिन वो टेस्ट फेस करने आता है, भले ही उसके पास रेन कोट ना हो, वो इतने पानी में भी वो कोशिश करता है कि मेरी क्लास मिस ना हो। वो ऐसे दो छात्रों का पता चलता है, ये दो। और तुमको मैं बता दूं, यही लोग सेलेक्ट होते हैं। छोटी छोटी बातें, एकदम छोटी छोटी बातें। देखो, मैं ये सुना क्यों रहा हूँ तुमको क्लास शुरू करने से पहले, मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता कि मैं दुनिया भर के चैन जाल बनाऊँ, सीधे मॉक इंटरव्यू से फ़ोटो इकट्ठे कर लूँ, टेस्ट सीरीज से फ़ोटो इकट्ठे कर लूँ, ये सब कर लूँ, और एक प्रचार में दुनिया भर का मैं प्रचार कर लूँ और मैं 3,000 से 5,000 छात्र इकट्ठे कर लूँ। और तुमको पता है, अगर मैं 35,000 के स्टूडेंट में सिंसियर और जुझारू छात्र की बात करूँ ना, तो इस पूरे में से 50 छात्र भी नहीं होंगे, ऐसे स्टूडेंट जो जुझारू और सिंसियर हैं, 50 स्टूडेंट भी नहीं होते। फिर क्या होता है, 4,950 छात्र ये सब सेख छिलनी है, बस सोचने वाले, हमको भी करना है, इतने चयन वहाँ हुए, इतने ये हुआ वो हुआ, भीड़ होगी, लड़कियाँ आएंगी, लड़के आएंगे, इस चक्कर में कोचिंग की भीड़ बनने जाते हैं। इस पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं तुमको बता दूँ मैं किस पर काम करता हूँ। ये 4,000-5,000 छोड़ो भैया, इसके लिए बहुत मक्कारी करनी पड़ती तब स्टूडेंट की भीड़ आती, वो आप नहीं समझ पाओगे, आपको लगेगा कि मैं बुराई को करता हूँ। मेरे पास ऑन एन एवरेज 150 छात्र आते हैं, 150 में सोचो सिंसियर और जुझारू छात्रों की संख्या जब इतनी है तो 150 में कितनी होगी, मैं तुमको बताऊं, 4 से 5 से ज़्यादा नहीं होगा। ये तो बहुत बोल दिया मैं, 4 से 5 से ज़्यादा नहीं होते। मैं जानते हो किस पर काम करता हूँ, ये जो बच गए ना 145-147 लोग, ये इनको इसमें कन्वर्ट करता हूँ, धीरे धीरे पढ़ा पढ़ा कर, धीरे धीरे मानसिक रूप से तैयार करके, मैं यकीन करता हूँ कि इन जो छात्रों को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूँ, और ऐसा मैं करता हूँ। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है क्लास की रेगुलरिटी। क्लास आओ, टेस्ट होते हैं वीकली टेस्ट, आओ तुम देखो मैं किस तरह से आपको मोल्ड कर दूंगा, किसी को 3 महीने में बदल दूंगा, किसी को 6 महीने में बदल दूंगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कमज़ोर और सामान्य छात्र को, उसको एक सेलेक्शन मटेरियल बनाने के लिए उसको बिल्ड करूँ, उसको कंस्ट्रक्ट करूँ, इस पर यकीन करता हूँ।
बहुत सारी भीड़ प्रचार तंत्र से लाखों का प्रचार करके या फिर झूठे प्रचार करके झूठा भ्रम फैलाकर चैन चालाकी से मक्कारी से चैन फोटो बनाकर मैं बहुत सारे छात्रों को इकट्ठा कर लूँ, उसमें से जो भाई कुछ जो झारू छात्र हैं ब्रिलियंट छात्र हैं ये ब्रिलियंट कुछ ब्रिलियंट इतने भीड़ में इतने ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा ब्रिलियंट छात्र आते हैं नीट बीटेक किए हुए या फिर जो फोकस हैं पहले से जो होमवर्क कर रहे हैं बारहवीं के बाद से ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इन पर विश्वास नहीं करता। और इसमें से भी मैं तुमको बता दूं गिरते पड़ते आधे होंगे आधे नहीं होंगे। अब बाकी जो 100-150 चयन फोटो आपको दिखते हैं वो तो टेस्ट सीरीज मॉक इंटरव्यू मक्कारी से ले लेते हैं, मैं इस पर विश्वास करता हूँ भाई। मैं अगर इस तरह का प्रचार कर रहा होता अवार्ड खरीद लेता तो मेरे पास भी बहुत भीड़ होती मैं पैसा कमा रहा होता। लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि संघर्ष को मैं इसलिए चुनता हूँ क्योंकि मेरे सिद्धांत मुझे गवाही नहीं देते। मैं इन छात्रों पर सीना नहीं ठोकना चाहता। अब रही बात चयन फोटो की तो मैं तुमको बता दूं जितने मेरे वास्तविक चयन है ना व्यापम और पीएससी प्रीलिम्स जितने पास करते हैं ये तुम बड़े बड़े नाम के कोचिंग देख लोगे ना उस अनुपात में उनके चयन नहीं होते हैं। लेकिन बस अंतर यह है कि मैं दिखावा नहीं करता। लेकिन इतनी बात मुझे समझ में आई है कि स्टूडेंट को दिखावा पसंद आता है स्टूडेंट को ड्रामा पसंद आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे लगभग मैं आज डालूँगा मैं आपको पूरी सूची डालूँगा आज कौन लड़का 2017 जुलाई में कोचिंग खुली मेरी मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जुलाई में कोचिंग खुली मेरी 2018 एक सेशन ये हुआ 2018 दूसरा सेशन चल रहा था कोरोना आ गया दो साल कोचिंग बंद हो गई 2020 के लास्ट में 20 क्यों मानूँ 2021 के प्रारंभ में फिर से शुरू हुआ 21 से 22 ये तीन सेशन हो गए एक सेशन चला दो सेशन चला तीन सेशन चला और 2022 से 23 ये मेरा चौथा सेशन है ये मेरा चौथा सेशन है। पहला साल एक सप्ताह दो ही स्टूडेंट आए थे मेरे पास दो स्टूडेंट। धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी कि मैं कैसे तैयार करता हूँ छात्रों को 2017 ये सेशन एंड हुआ मेरा 82 स्टूडेंट से कोई झूठा प्रचार नहीं कुछ नहीं किया मैंने 82 स्टूडेंट ठीक। अगला सेशन आया 120 स्टूडेंट दो ये तीसरा सेशन आया 170 स्टूडेंट है ना। अब मैं इस सेशन में हूँ अब अगर तुम देखोगे 82 120 170 तो इसको कैसे मान लोगे आप 170 और कितना हो गया 300 मतलब मैं मान के चलूँ कि 382 स्टूडेंट 372 स्टूडेंट इन 372 स्टूडेंट मैंने इन तीन सालों में तीन सेशन में जीते हैं पढ़ाकर कोई मक्कारी नहीं कोई चयन फोटो का प्रचार नहीं इससे नहीं जीतता मैं स्टूडेंट मैं पढ़ाकर तैयार करके जीतता हूँ। जो स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं उन्हीं के माउथ पब्लिसिटी से उन्हीं के भाई बहन दोस्त यार वो आते हैं मेरे पास। मैं तो वो प्रचार नहीं करता जैसे दुनिया करती है या 2018 में अवार्ड खरीद करके मुख्यमंत्री के साथ प्रचार कर देता और स्टूडेंट भागे चले आते मेरे पास। 382 स्टूडेंट में मैं आपको बता दूं इसमें करीब 50 स्टूडेंट रेलवे एसएससी के ये इसी साल शुरू किया था मैंने ये जो दिख रहा है ना आपको इसमें मतलब 120 और 82 मैं इसको काउंट कर लेता हूँ 240 और 330 मान लो 330 स्टूडेंट 330 स्टूडेंट में पीएससी के स्टूडेंट जिनका केवल पीएससी फोकस है तो मैं तुमको बता दूं इस 82 में कितने थे इस 82 में 15 बाकी व्यापम वाले थे ये पीएससी के थे ही नहीं व्यापम वाले थे। ये 120 में यहाँ पर लगभग 30 स्टूडेंट पीएससी के मोटो वाले आए यहाँ भी लगभग 30 स्टूडेंट पीएससी के मोटो वाले आए 30, 60, 70, 75 ये 75 छात्र जो पीएससी सोचते हैं बाकी जो बचे छात्र वो व्यापम वाले हैं ठीक है। अब इन 75 पीएससी के छात्रों में मैं आपको बता दूं कितने छात्र मेरे 20 छात्र कम से कम प्री क्लियर किए हुए हैं
75 में 20, 75 छात्र मैंने पढ़ा दिया। वो बहुत सारे तो वो क्लास कर लेते हैं, उसके बाद वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं वो आते ही नहीं। मैं क्लास रखता हूँ, टेस्ट दे रखता हूँ, वो आते ही नहीं। तो मैं ये मान के चलता हूँ भाई उनको भी काउंट कर लेता हूँ, इनसिंसियर, जिन्होंने तैयारी छोड़ दी, किसी ने कोरोना काल में विवाह कर लिया। अगर मैं ऐसे लोगों को निकालूँ तो इसमें से 25 और निकाल लो, जो साल भर की तैयारी के बाद कोरोना काल में अधिकांश लोगों की शादियाँ होंगी, लड़कियाँ बहुत अच्छी पढ़ती थी, उनके माँ बाप ने पता नहीं क्या सूझा शादी कर दी, हो गया उनका किस्सा ख़त्म। इतने छात्रों में 20 प्रीलिम्स कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, और कोई भी दावा जब मैं करता हूँ तो तुम आओ, तुमको मैं क्लास करता हुआ फ़ोटो दिखाता हूँ, उनके एडमिशन फॉर्म नहीं दिखाऊंगा, क्लास करते, क्योंकि हर संडे टेस्ट में मैं फ़ोटो खींचता हूँ अपने बच्चों का। तुम जितना फ़ोटो मांगोगे मैं तुमको फ़ोटो दिखाऊंगा, हर क्योंकि हर वीक टेस्ट देता हुआ फ़ोटो है ना। टेस्ट सीरीज़ का फ़ोटो नहीं, टेस्ट सीरीज़ में नहीं लेता, टेस्ट सीरीज़ के बच्चे जो है पिछले साल ही मैंने लिया है, लेकिन उन बच्चों को मैं गिनता ही नहीं। ये अगर आप देखोगे 75 में भी 20 कितना होता है, ये 25% से ज़्यादा का चयन है प्रीलिम्स। ठीक, व्यापम की बात करोगे तो अब तक मेरे कुल मिलाकर व्यापम और ये सब मिलाकर करीब 25 छात्र फाइनल सिलेक्शन पा चुके हैं, CSEB हो, कलेक्ट्रेट हो, ये व्यापम वाले छात्र है ना, कलेक्ट्रेट हो, फोर इंस्पेक्टर हो, मंडी निरीक्षक हो, जिसमें कम कब पद निकले थे उसमें भी, व्याप संपरीक्षक हो, इसमें तक। अब ये मुझे बता, एक छात्र को तुमको बता रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ, वो प्रचार तंत्र नहीं, एक अच्छे छात्र को ऑन एन एवरेज लगता है दो से तीन साल व्यापम या PSC प्री तक क्लियर कर ले। PSC प्री अच्छा छात्र है तो भी उसको 2 साल मान लो, और व्यापम के लिए अच्छा छात्र है तो 2 से 3 साल। मेरे तीसरी बैच को तो मेरे को गणना करना ही नहीं चाहिए, मैं तीसरी एक जो 70 गिन रहा हूँ ना, ये तो अभी ख़त्म हुए हैं, अभी इनको गणना होनी नहीं चाहिए। मेरी गणना होनी चाहिए 82+120 में, ये 120 में, 120 मतलब पहले साल वाले, दूसरे सत्र वाले ना, 120 और ये मैं इसको मान लेता हूँ 200 छात्रों में मेरे करीब 25 सेलेक्ट हो चुके हैं और PSC प्री पास कर लिया इतने, इनका गणना करो तो PSC प्रीलिम्स भी पास किया वो भी एक उपलब्धि, गणना तो करो 40 कितना प्रतिशत है। अगर ऐसे गणना करोगे 200 में कितना हुआ, ये 20% सक्सेस रेशो है। और तुमको मैं बता देता हूँ, वो पटेल और जितने बड़े बड़े नाम ले लो ना, कोई भी अगर तुम उनके चयन फोटो भी जो वो बताते हैं अगर उनकी भी गणना कर लो, तो 3 साल अगर 5,000 किसी ने पढ़ाया तो 15,000 छात्रों में कितना मान लो 500 भी बताता है, 500 है ना। और ये भी बोल देता हूँ तुमको, ये फर्जी है, इसमें से आधे से ज़्यादा फर्जी हैं, कितना होता है 15,000 का 500, 1500 10% होता है, 500 कितना हुआ, प्रतिशत देखो, ये कितना है 20% है, ये कितना है। और मैं तुमको ये भी बता दूँ, ये जो चयन बताए जाते हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी की जाती है, इसमें ब्रिलियंट बच्चों की भीड़, ब्रिलियंट बच्चे आते हैं, ब्रिलियंट, 12th के बाद से PSC की तैयारी, होमवर्क चल रहा है, BTEC कंप्लीट किया तब तक होमवर्क कर चुका है, एकदम ब्रिलियंट है, ऐसे छात्र आते हैं। इसमें भी वही छात्र हैं, सामान्य और एवरेज छात्र नहीं है, जिनको मैं जुझारू और सिंसियर बनाने की कोशिश करता हूँ। इसमें तुमको बता देता हूँ 50% ऐसे छात्र हैं जो एवरेज या एवरेज से कम के छात्र रहे हैं, उनको तैयार करता हूँ मैं। मेरे जितने भी छात्र हुए तुमको ब्रिलियंट नहीं दिखाई देंगे, कोई मैं BTEC नीट और ये स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है व्यापम में जो गए हैं, ये सामान्य ग्रेजुएशन किए हुए छात्र, कोई BA किया है, कोई BSc किया है, ऐसे छात्र हैं। तो मैं तुमको बता देता हूँ कि केवल पढ़ा देना और कोर्स ख़त्म कर, 8 महीना 9 महीना में कोर्स ख़त्म कर दिया तो अरे भूल जाओ, उस प्रचार के चक्कर में 8 महीने प्री का ख़त्म करने और मेंस 6-7 महीने में ख़त्म करने में लोग 86-86 हज़ार 90-90 हज़ार बिलासपुर में देकर आते हैं। कितना पैसा बोल रहा हूँ, 86 हज़ार 90 हज़ार,
और क्या देखकर देखे आते हैं, वो चयन लाखों का प्रचार जो वो करते हैं। मैं तो नहीं कर सकता भाई, मेरी औकात नहीं लाखों का प्रचार करने की, और झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता। वो लाखों का प्रचार इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि ये फोटो दिखाएंगे हम तो इन फोटो के भरोसे हजारों स्टूडेंट दौड़ के चले आएंगे। पहले भीड़ इकट्ठी करने के लिए अवार्ड का इस्तेमाल किया, मूर्ख बनाया छात्रों को, छत्तीसगढ़ का उत्कृष्ट PSC संस्थान। भीड़ आ गई तो फर्जी चयन फोटो बनाना शुरू किया, 5-5 हज़ार छात्र इकट्ठे करते हैं, उसमें ब्रिलियंट चंद छात्र होते हैं, है ना, 20-25, वो भी नीट किए हुए एकदम ब्रिलियंट बच्चे, बाकी तो फर्जी तरीके से मॉक टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज से लेके आते हैं। मुझे बता दो चयन रेशो क्या होता है, ये मुझे पता है, मैं संघर्ष करता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं अब जिस सिद्धांत पे और ईमानदारी पे चलना चाहता हूँ उससे मुझे संघर्ष ही करना है, लेकिन मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ता। तुम लोगों को हर एक एक छात्र को सिर्फ पढ़ा देने से वो सेलेक्ट नहीं होता है, उसको मानसिक रूप से तैयार करना होता है, वो करता हूँ मैं। सामान्य छात्र को परिवर्तित करके उससे प्रीलिम्स PSC प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाता हूँ। वो भले छात्र मुझे दे ना दे, बहुत सारे छात्र देर होशियार होते हैं, उनको तो मैं गिनता भी नहीं, उनको मैं अपने इस में बताता भी नहीं। ये भी बता रहा हूँ, दो चार ऐसे भी हैं जो मेरे पढ़ाने के बाद वो तैयार हुए हैं, लेकिन मैं किसी को मैसेज करके नहीं बोलता हाँ तेरा तुम्हारा चयन हुआ, तुम्हारा चयन हुआ। जिसने मुझे बता दिया उसको मैंने काउंट कर लिया, केवल एक स्टेटस डाल देता हूँ भैया मुझे सूचित करें। जो दो डेढ़ सौ होते हैं नहीं बताते, उनको मैं कभी अपनी गिनती में शामिल नहीं करता, उनको अगर जोड़ लूँगा तो और भी हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट PSC प्री सामान्य पूछो, ग्रेजुएशन में क्या हाल है, ट्वेल्थ में क्या हाल है पूछो, एवरेज स्टूडेंट एवरेज। पहला अटेम्प्ट PSC प्री स्तर का पेपर, पहला जहां पर 3-3 इंटरव्यू 4-4 इंटरव्यू दे के लोग बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों से पढ़ के फेल हो गए, PSC प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए, सामान्य छात्रा है पहली बार में निकाली। और वो अकेली नहीं है, और भी है, एक छात्र का नंबर बताता हूँ मैं आपको, 117 नंबर प्रीलिम्स में BSc किया हुआ है। ढूंढ के बताओ कितने सालों में किसने कहाँ कहाँ किया, 4 कोचिंग घूमा 5 कोचिंग घूमा, खुद पे माथा पच्ची किया तब निकाला कि कैसे निकाला, बड़े अजीब हो यार। सूचना देता रहता हूँ, बार बार करता रहता हूँ, तुमको मैं उठा के तो नहीं ला सकता। हाँ एक ही उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास में रेगुलर आओ, जब क्लास हो रेगुलर आओ, जब वीकली टेस्ट हो तो वीकली टेस्ट दो, इतना ही तो उम्मीद करता हूँ तुमसे, बाकी काम मेरा है। कैसे मोल्ड करना है तुमको, कैसे तुमको मानसिक रूप से तैयार करना है, कैसे विषयों को सरल बना के तुम्हें पढ़ाना है, 100% सिलेबस कराना है, भले मेरी कमाई हो ना हो, 12 महीना का 14 महीना लग जाए, पूछ लो, जाओ पूछो अपने सीनियरों से, 50,000 86,000 90,000 जो बिलासपुर में दे के आते हैं उनका सिलेबस किसी का कंप्लीट होता है, 8 महीने का डेड है, 8 महीना का ले लेते हैं उसी प्रचार के, और आप दे के आते हो 35,000 40,000, ये 8 महीने 6 महीने का वसूल लेते हैं, तुम दे के आते हो बड़ी खुशी से। जरा पता करो, जितने छात्र पहले कर चुके हैं इतना पैसा लेने के बावजूद 8 महीने में सिलेबस खत्म हो गया, खत्म, क्योंकि 8 महीना खत्म, वो सिलेबस हो ना हो 8 महीना खत्म। कितनों को समझ में आया, 90% छात्र केवल मुंह ताक के बैठे थे, पूछ के आना, पूछना, कुछ समझ में आया, कुछ तैयार हुए, नहीं हुए। उनमें से कुछ छात्र मेरे पास भी आते हैं दोबारा, क्योंकि ठोकर खा के समझ में आता है, वो ठोकर खा चुके हैं एक बार प्रचार तंत्र में फंस के। ये पूछना, जरा पता करो, अच्छे स्टूडेंट जो 2-3 साल बिता चुके हैं उनसे पता करो, बोलना सर ऐसा बोलते हैं वो कितना सच बोलते हैं। तुमको बता रहा हूँ 80% भुगत भोगी छात्र तुमको वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ, वही बोलेगा। ये 5,000 3,000 से 5,000 छात्र हर साल फांस कर पढ़ाते हैं, फांस झूठे प्रचार से फांस कर पढ़ाते हैं, कितना 35,000 भी वसूल लिया इंटू कर लो कितना पैसा कमा रहा है, जबकि जानते हो इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं कि ये 15,000 भी लेगा ना या 20,000 भी लेगा और ईमानदारी से साल भर तैयार कर, साल भर का समय चाहिए एक स्टूडेंट को तैयार करने के लिए,
लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उनके पास से फ़ोटो मिल ही जाते हैं, भीड़ तो आ ही रही, 8 महीने में ख़त्म, दे आओगे। मैं 1 साल की 12 माह की PSC प्री और क्यों खाना पूर्ति नहीं, पढ़ाने के लिए तैयार करने के लिए लेता हूँ और इसकी फ़ीस 20,000 है। चलो तुलना करो, 8 महीना 35,000, 12 महीना 20,000, अगर इस हिसाब से चलूँ तो 35,000 में 4 महीना और आधा और जोड़ दो, ये 50,000 पार होता है। और ये 50,000 मक्कारी से वसूले जा रहे हैं, झूठा सपना दिखा के वसूले जा रहे हैं, और ये कितना 20,000 पैसा लगता है ऑफलाइन में। तुमको बहुत आसान लगता होगा कि सर बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा नहीं कमाता क्योंकि मैं स्टूडेंट पे खर्च करता हूँ। जो स्टूडेंट पढ़ चुके हैं ना मेरे पास, पूछना उनसे कि मैंने क्या किया है, कैसे तैयार किया उनको, ये बहुत कम राशि है, मैंने आज तक पैसा कमा नहीं पाया। मैं थोड़ा, तुमको पता होगा ना, 10 लोगों का खाना यदि बनाना हो तो यहाँ पर 10 लोगों का खाना बनाना हो तो अगर 100-200 का काउंट करो तो 2,000 लगता है पर व्यक्ति, 200 का खर्च आएगा। लेकिन वहीं पर अगर 1,000 लोगों का खाना बनाना हो तो तुमको पता है पर प्लेट 50 रुपये भी नहीं लगेगा, 50 रुपये 200 रुपये। जब मेरे पास कम छात्र हैं ना जो मैं पढ़ाकर जीतता हूँ तो मुझे 200 रुपये प्रति थाली लगती है, इतना खर्च आता है। और ये जो ये 3,000-5,000 स्टूडेंट जो, या उससे ज़्यादा 400-500 स्टूडेंट, ये इनको पर प्लेट 200 से कम होता चला जाता है। लेकिन मैं आज भी 200 रुपये खर्च करता हूँ, नहीं बसता, लेकिन फिर भी मैंने कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ा। तुम लोगों को ये समझ में नहीं आता, देखो पढ़ना है, तैयारी करनी है ना, टाइम पास करने वाले मेरे पास आना मत, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तुम लोग मेरे को। 3 महीने बाद मैं तो अपना रास्ता बदल लेता हूँ, अगर मुझे लगता है कि लात खाने वाला छात्र है, लातों का भूत है, तो उसके लिए मैं अपना अप्रोच बदल देता हूँ। पहले 3 महीने सबके लिए कॉमन होता है, सबकी कमजोरियों को समझना, कौन कहाँ मिस कर रहा है, कौन पढ़ाई में किसको तकलीफ़ हो रही है, उसके पढ़ने का तरीका सही है कि नहीं है, वो रेगुलर क्लास कैसे करे कि वो रेगुलर क्लास आए, कैसे अपना टाइम टेबल सेट करे, इस पर काम करता हूँ मैं। पहले 3 महीने छात्र की जो बारीकियाँ, बारीक बारीक कमज़ोरी होती है उस पर काम करता हूँ। 3 महीने के बाद मुझे मालूम हो जाता है कि इस सिंसियर ही नहीं है, तो उसके लिए मैं रास्ता बदल देता हूँ, उसको अलग तरीके से झंझोड़ने की आवश्यकता होती है। तो वो जो 3 महीने के बाद होता है ना, वो जो टाइम पास करने के लिए है वो टिकता नहीं है, फिर तो विकल्प है ना उसके पास फ्रेशर बैच में 3 माह बाद, भैया तुम अपनी फीस लेकर कोचिंग का त्याग कर दो, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम जाओ उस भीड़ का हिस्सा बनो जहाँ लोग बैठ के भीड़ का मज़ा लेने जाते हैं, मौज लेने जाते हैं। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अब बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ करना है, तुम भले कमज़ोर रहे हो तो तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हें कमज़ोर से जुझारू सिंसियर बनाने के लिए, उसके लिए भाई मैं तुम्हारे घर से उठाकर नहीं ला सकता, तुम्हें क्लास आना होगा। बहुत सारे कमज़ोर छात्रों को खड़ा कर दिया मैंने, तुम्हें क्लास आना होगा।